हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकटॉक उम्मीदवार के रूप में चर्चा बटोरने वाली सोनाली फोगाट ने भारत माता की जय को लेकर दिए गए अपने बयान पर खेद जताया है। सोनाली फोगाट ने अपनी सफाई में कहा कि वो सिर्फ उन युवाओं को ये समझाना चाहती थी कि देश के सम्मान में भारत माता की जय बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी की भावना को ठेस पहुँची है तो वो माफ़ी मांगती हैं। बीजेपी के टिकट पर हरियाणा की आदमपुर सीट से चुनाव लड़ रही सोनाली फोगाट मंगलवार को बालसमंद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। इस दौरान उन्होंने लोगों से भारत माता की जय बोलने को कहा। जब कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया तो भड़क गई और कहने लगी कि पाकिस्तान से आए हो क्या। इतना ही नहीं, सोनाली फोगाट ने ये भी कहा कि जो भारत माता की जय नहीं बोल पाए उनका वोट किसी काम का नहीं है। सोनाली फोगाट के इस बयान पर विवाद हो गया है। अब फोगाट ने इसके लिए माफ़ी मांगी है। उन्होंने वीडियो जारी कर अपने बयान पर खेद जताया है। फोगाट ने कहा, मैं बालसमंद गांव की बेटी हूं। यहां सभा के दौरान जब मैंने भारत माता की जय बोला तो वहां मौजूदा कुछ लड़कों ने भारत माता की जय नहीं बोला। मैंने कहा कि क्या तुम पाकिस्तान से आए हो? अगर ऐसा कहने पर किसी की भावना को ठेस पहुँची है तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। इसके आगे सोनाली फोगाट ने कहा कि मैंने जो कहा उसका मकसद सिर्फ उन युवाओं को समझाना था। सोनाली ने कहा, मैं अपने उन छोटे भाइयों को बताना चाह रही थी कि देश के सम्मान में भारत माता की जय बोलना चाहिए। बालसमंद गांव में मेरा एक कार्यक्रम के तहत जाना हुआ और उस सभा में बाकी लोगों के साथ साथ एक साइड में कुछ लड़के भी थे, उसी गाँव के थे, कॉलेज के लड़के थे और मेरा उसी गांव में जन्म हुआ है। मैं बालसमंद गांव की बेटी हूं और जब मैंने अपना संबोधन देना शुरू किया और भारत माता का जयकारा लगाया तो उन लोगों ने, यानी उन लड़कों ने भारत माता की जय नहीं बोली। मुझे गुस्सा आया और मैंने कह दिया कि क्या आप लोग पाकिस्तान से आए हैं? बस इस बात का इश्यू बन गया। और अगर इस बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफ़ी चाहती हूं, लेकिन मैं उन अपने छोटे भाइयों को बताना चाह रही थी कि हमारा जो देश है उसके सम्मान के लिए हमें बोलना चाहिए, भारत माता की जय हमेशा बोलना चाहिए। क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हम अपने देश की जय नहीं बोलेंगे तो क्या कर सकते हैं हम? यही बात मैंने उनको बताना चाहिए। बता दें कि सोनाली फोगाट टिकटॉक पर काफ़ी मशहूर हैं। हाल ही में उनके वीडियो तेजी से वायरल हुए हैं। इसी बीच उनके साथ ये विवाद भी जुड़ गया है जिस पर सोनाली ने माफ़ी मांगी है।